नहीं भाई, हाँ बच्चों, ऑक्सी एसिड चल रहे थे, सल्फर गया ना, यस सर। ऑक्सीजन नहीं कराया था ना, O2 कंपाउंड करा दिया नो था। सर। हाँ सर ऑक्साइड्स का नाम भी लिख लिया। यस सर, ऑक्साइड्स के नाम लिखे थे। ऑक्साइड्स के नाम लिखे थे और एसिड्स के भी नाम लिखे होंगे ना, स्ट्रक्चर नाम। हाँ सर, हाँ सर, वो परोक्सी एसिड सीरीज वो सब कराया था। यस, लास्ट हो करा होगा। चलिए भाई, ऑक्सीजन O2 के प्रिपरेशन से चालू करते हैं। लिख दीजिए फर्स्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा भाई, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स हैविंग हैविंग मेटल्स लाइंग लो इन हैविंग मेटल्स लाइंग लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जैसे Ag2 है, HgO है, इसको हीट करेंगे तो मेटल का PPT आएगा और O2 आएगा। ठीक है, बाय हीटिंग हाई OS ऑक्साइड्स भाई, जैसे Mn2O7 और MnO और O2 CrO3 Cr2O3 O2 ऐसे ही। ये PbO2 से Pb3O4 बनता है, Pb3O4 से PbO, ऐसे ही MnO2 और Mn3O4 यस। मिनट ज्यादा हो जाएगा। यस, हो गया होगा। नेक्स्ट इज बाय हीटिंग MnO2 एंड कॉन्केस्टर्स ऑफ 4 और H2O plus O2 और ये next by thermal decomposition of H2O2 परोक्साइड्स H2O4 के साथ
O2 रिलीज करेंगे। और ये आ जाएगा जल्दी करिए। नेक्स्ट इज बाय हीटिंग ऑफ द सॉल्ट और अपने आप प्रोडक्ट लिखेंगे, सारे पहले करा चुका हूँ। NaNO3 दो बार लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? टेम्परेचर लेस देन 800 ग्रेटर देन 800। वेरी गुड, शाबाश। सर क्वेश्चन आया था एमटी में, करा भी बहुत बार बेटा आपको। हाँ सर, सुना एमटी आपने बिल्कुल फोड़ दिया बुरी तरह से। नहीं 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 सर, बस बता रहा था सर। बहुत गंदा गया सर, बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा गंदा गया। यस यस सर, इनऑर्गेनिक स्ट्रांग है सर, इनऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं पाए थे ढंग से, टाइम ही नहीं मिला। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पेपर तो नॉर्मल था यार, पेपर लोग हल्ला कर रहे थे। जे एडवांस में ऐसा ही पेपर आता भाई, इससे जे एडवांस से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का पेपर नहीं था, मतलब जे एडवांस के थोड़ा सा नीचे ही कह लो। फिजिकल भी आसान था यार इसमें, कुछ ऑर्गेनिक में दो चार क्वेश्चन थे। चलिए एनीवेज भाई, ये अपने आप से करेंगे, मैं हटा दे रहा हूँ। K-4 को हीट करते हैं तो ये लिख देता हूँ, K2-4 MnO2 और O2। K2Cr27 को करते हैं तो K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। ठीक है, हटा दूं क्या? यस डन, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा भाई। लास्ट वीक में देखिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं रखी, फिर मुझे लगा बच्चे ऐसे ही परेशान होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवाइज करने में लगे होंगे, तो इस वीक में देखते हैं। देखिए पहले ये बेसिक चॉय बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट और O2, ऐसी AgNO3 KClO3 भाई, सोर्स ऑफ O2 इन ब्रीदिंग अपरेटस मेनी टाइम्स, दिस चेंज इज कैटलाइज्ड बाय MnO2 और बाय हीटिंग K-4 H2O4 कॉन्क, और K-4 और कॉन्क H2O4 की रिएक्शन बताई होगी पहले भी, आया ना? यस सर, हाइड्रोजन परऑक्साइड में बताया था वो, स्टेप बाय स्टेप आपने बताया था। तो फिर अब मैं पूरा स्टेप वाइज नहीं बता रहा हूँ ना, तो पहले HMnO4 बनता था, फिर Mn2O7 इंटरमीडिएट था, यहाँ पे Mn2O7 इंटरमीडिएट, K2SO4 plus Cr2SO4 whole plates plus H2
करिए जल्दी। यस सर, आप वो स्पॉटलाइट कर सकते हो। हो गए, देखो अभी तो कोई नहीं आ रहा नाम। अभी H22 के साथ पहले बता चुका हूँ, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। HSO4 MnSO4 H2O प्लस O2 इसके K2Cr27। अब इसमें ये होता था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हो तो CrO5 सेपरेट हो जाता था, अदरवाइज डिकम्पोज हो जाता था। Cr2SO4 प्लस H2O प्लस O2। ये हो गया। और एक होता है ब्रिंस प्रोसेस, बेरियम ऑक्साइड प्लस एयर O2। पहले PaO2 बनाते हैं और PaO2 को अगर फर्दर हीट करा जाए तो O2 प्योरीफाइड, ठीक है। और कर लीजिए O2 का ऑपरेशन, बहुत है, हो गया होगा। यस सर, लिख दीजिए इट्स ए कलरलेस ऑडरलेस गैस, इट्स ए कलरलेस ऑडरलेस गैस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन प्योर वाटर, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी लिखवाऊंगा यार, मतलब लिखिए ऑक्साइड और सुन लिखिए। ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स एज कोवेलेंट एंड आयोनिक। एज कोवेलेंट एंड आयोनिक, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट ऑक्साइड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स सारे एक साथ। पहला नॉर्मल ऑक्साइड्स, पहला नॉर्मल ऑक्साइड्स और उसमें लिख दीजिए ऑक्साइड्स हैविंग ऑक्सीजन कंटेंट इन अकॉर्डेंस विद वैलेंसी। Oxides having oxygen content in accordance with valency. Known as the normal oxides. Or like this H2O. H2O, MgO, H2O, MgO, Al2O3, ठीक है।
उसके अलावा क्या लिखवा है, एच टू एम जी ओ एल टू थ्री, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पॉलीऑक्साइड्स, पॉलीऑक्साइड्स और उसमें लिख दिया दीज हैव मोर ऑक्सीजन देन परमिटेड, दे हैव मोर ऑक्सीजन देन परमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, परमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। और उसमें मतलब एग्जांपल में दिए परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स, एंड डाइऑक्साइड्स। नेक्स्ट देखिए सबऑक्साइड्स, सबऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसमें एमएम बॉन्ड होते हैं, इसमें सीसी बॉन्ड है, तो लिख दीजिए कि भाई ऑक्साइड्स हैविंग लेस ऑक्सीजन देन परमिटेड, ऑक्साइड्स हैविंग लेस ऑक्सीजन देन परमिटेड एंड इन्वॉल्विंग या एंड इन्वॉल्व्स बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, bond between atoms of same element are suboxides, are suboxides, ऐसे mixed oxides थी जिसमें दो दो oxidation state थे, तो ये लिख दीजिए oxides having central atom in two different oxidation states are mixed oxides. और ये मिक्स ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं, भी जान लेते हैं। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ओजोन। ये ओजोन में प्रिपरेशन ऐसा सच कुछ खास नहीं है भाई, इन ओजोनाइजर, और ओजोनाइजर में क्या है O2 को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और सिंपली है स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है किलोजूल पर मोल। और ये लिख दीजिए पहले या फिर एक होता था F2 प्लस H2O विग्रस कंडीशन में HF प्लस O2 प्लस ओजोन और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। बता दूं सर वो H2O का स्ट्रक्चर आइटम बता सकते हो? इसका H2O वो यस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो अनस्टेबल ही होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। ओके सर, Sb2O4 में Sb2O3 और SbO होगा क्या? बेटे SbO तो होता ही नहीं था, भूल गए तुम। इसमें Sb प्लस 3 और प्लस 5 होता था। ओके यस सर सॉरी। अरे तो बच्चों यस सर, यस सर। नेक्स्ट लिख दीजिए बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग हाई करंट डेंसिटी विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। और इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, इट्स
It's a pale blue colored gas. It's a pale blue colored gas. Has characteristic fishy smell. Condenses to a dark blue liquid. Condenses to a dark blue liquid and violet black solid and violet black solid or a violet black solid heavier than air. Heavier than air, slightly soluble in water, slightly soluble in water, or more soluble in CCl4 or turpentine oil diamagnetic in nature ठीक है सर slightly soluble किस में water ठीक है तो अब देखिए भाई metal sulfide को ज्यादातर oxidizing agent क्या करते हैं metal sulfate बनाते हैं तो क्या आएगा PbSO4 white भाई यहाँ पे ZnSO4 यहाँ पे CdSO4 और ये सभी जगह O2 रिलीज होगा केस वन O2 अच्छा E0 जो होता है वो 2.07 वोल्ट होता है हाई है फ्लोरीन से कम है H2S को सल्फर H2O प्लस O2 यहाँ पे KOH प्लस O2 I2 और ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन आ जाएगी ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करेगा नोटेड सर अब देखिए आइट्स को एट्स में करेगा ओजोन प्लस आइट्स और तो आइट से एट्स प्लस O2 Na2SO4 Na2SNO3 Na3ASO4 H2SO4 X2 प्लस H2O K2MNO4 को KMNO4 प्लस KOH फेरिक सल्फेट प्लस वाटर K3FeCN6 प्लस KOH और सभी में रिलीज होगा चिंता वन सेकंड यस सर नोटेड सर अब
क्या यू फोर और ओ टू आता है, ये मेजर आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दी एसिड। H2SO4, H3PO4 सारे एलोट्रोप करेंगे, H3SO4, H3SPO4, H2SCO3, HIO3 सब में O2 रिलीज होगा। आयोडीन के साथ रिएक्शन बड़ी बन रहा है क्योंकि ड्राई में ओजोन के साथ I4O9 और O2 आता है, येलो ऑर्डर, और ये I+3 और IO3-3 आईएनए के नेचर इस तरह से किस करता है। बच्चे बड़ी एक सेकंड से लास्ट रिएक्शन यस सर सही एजी Ag2O, अब Ag के साथ ओजोन Ag2O प्लस O2 बनाता है और Ag2O dissolves in Ag and इसकी वजह से Ag loses its सरफेस टेंशन में पड़ा होगा अपर मेनिस्कस और becomes a फ्री फ्लोइंग लिक्विड और इस फिनोमेना को कहते हैं टेलिंग ऑफ मर्करी, मतलब मर्करी जो होता है फ्री फ्लोइंग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन रिएक्शन में तो जोन ऑन ट्रीटमेंट तो जोन और दिस इज अ टेस्ट ऑफ ओजोन ऑल्सो। ठीक है और केस टू नो O2 is evolved, याद रखने वाला ये गैस है SO2 plus ozone SO3 आता है और SnCl2 HCl plus ozone SnCl4 H2 आता है, O2 release नहीं होता। चिंता पढ़ा दूं? Yes sir, noted sir. Next is reaction with peroxides. PaO2 plus ozone. Oxide or O2 release karega. H2 plus O2 और इसके अलावा इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन और जितने भी ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग एक्शन होते हैं परमानेंट होते हैं। इफेक्ट और फंडा वही है O2 कलर इंप्यूरिटी जो होगी कलरलेस फॉर्म आ जाएगा। ठीक है इसके अलावा
KOH ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, KO3 प्लस H2 प्लस O2 ऑरेंज रेड सॉलिड। यस यस सर। नेक्स्ट लिख दीजिए, राइट अ लॉन्ग नोट ऑन, राइट अ लॉन्ग नोट ऑन ओजोनोलिसिस, ऑन ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट लिखिए, टेस्ट ऑफ ओजोन, टेस्ट ऑफ ओजोन और भाई पहला स्मेल्स ऑफ रॉटन फिश, दूसरा टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, फिर टेलिंग ऑफ मर्करी, टेलिंग ऑफ मर्करी भी टेस्ट है अपना, अपना टेलिंग ऑफ मर्करी और कन्वर्ट्स बेंजीडाइन पेपर ब्राउन, कन्वर्ट्स बेंजीडाइन पेपर ब्राउन, ये ऑर्गेनिक में वही करा होगा। और अब देखिए H2S प्रिपरेशन बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सल्फाइड सॉल्ट्स और S-2 डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में है और डाइल्यूट HCl से होंगे ज्यादातर। तो पहला किप्स अपरेटस FeS प्लस डाइल्यूट H2SO4 इक्वल्स टू FeSO4 प्लस H2S, ठीक है। और एक मिनट, अच्छा इसके अलावा भाई SB2S3 SBCl3 H2S प्योर H2S और भाई ठीक है, H2S को बनाने में इतना बहुत है। इवन दैट SB वाला रिएक्शन इज आल्सो अंडर किप्स अपैरेटस, लाइक अ डिफरेंट। नहीं बेटा, मतलब किप्स अपैरेटस ही देखिए एरो ये है तो इसको ओके सर। हाँ भाई कर लिया हमने। लिखिए कलरलेस गैस, स्मेल्स ऑफ रॉटन एग्स, कलरलेस गैस स्मेल्स ऑफ रॉटन एग्स और स्लाइटली हैवियर देन एयर, स्लाइटली हैवियर देन एयर, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, moderately soluble in cold water
और सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर. Solubility decreases with increase in temperature. Thermally stable and decomposes to give sulfur and H2. Decomposes to give sulfur and H2 only if heated to redness. Heated to redness or okay, ठीक है लिख दीजिए पहले तो. और कंबशन अगर लिमिटेड अमाउंट होगा सल्फर एक्सेस O2 SO2 प्लस H2O NaOH के साथ दो तरह के सॉल्ट बना सकता है एसिडिक और H2O. ठीक है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादातर सल्फर में जाएगा और वाइट टर्बिडिटी और एक्सेप्शन था फ्लोरीन SF6 और H2F2 जनता नोटेड सर सजेस्ट सिंह हो गया होगा ना. अब देखिए अपने आप ही लिखिएगा X2 के साथ. चलिए मैं ही ले देता हूँ HX यहाँ पे भाई प्लस सल्फर तो आएगा ही. ठीक है यहाँ पे दोनों सल्फर में जाते हैं SO2 रिड्यूस होता है सल्फर में H2S ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में. यहाँ पे NO प्लस H2O NO2 प्लस H2O सब जगह सल्फर. यहाँ पे SF6 HF MN प्लस 2 H2O क्रोमियम प्लस 3 H2O H2O ये SO2 में और FeCl2 HCl फिर सब में सल्फर. जल्दी
नोटेड सर, और भाई अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, FeCl3 और Na2S कराते हैं तो Fe2S3 का ब्लैक पीपीटी आता है, और FeCl3 प्लस H2S कराते हैं तो FeCl2 का ये और ये येलो पीपीटी और HCl आता है। साथियों ऐसा क्यों? पर क्योंकि H2S में सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू Na2S। गुड, अच्छा सोच रहे हो तुम। पुल कितना तो, और क्या नाम भूल जाता हूँ तुम्हारा नाम है? निशित सर, निशित, 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 सॉरी, हाँ निशित, शाबाश। देखो Na2S में हाई मतलब सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन होगी तो ये पीपीटी बनने के लिए दिस इज हाई KSP सल्फाइड, तो वी नीड मतलब रीजनेबल सल्फाइड कंसंट्रेशन, और ये एसिडिक है एक्वस सॉल्यूशन तो इसके H2S के एनेशन को और कम कर देगा, तो यहाँ पे इनफ नहीं है, यहाँ पे रिडॉक्स हो जाएगी। इस पे एक नोट लिख लीजिए कि FeCl3 इन रिएक्शन विद Na2S फॉर्म्स ब्लैक पीपीटी ऑफ इट्स हाईएस्ट KSP सल्फाइड ऑफ इट्स हाई KSP सल्फाइड एज Na2S आयनाइजेस कंप्लीटली as Na2S ionizes completely to form high KSP sulfide, high KSP sulfide or whereas FeCl3 aqueous being acidic, FeCl3 aqueous being acidic, they suppress ionization of H2S and will not be having and it will not be having a enough sulfide ion concentration to get PPT of Na2S3. So Fe2S3 होगा। Fe2S3, of course. Good, आपके पास common sense है। Congratulations. हाँ भाई, अब देखिए भाई यहाँ तक तो लिख दिया होगा ना, ये रिएक्शन लिखनी है NH4OH के साथ, कुछ है नहीं। नेक्स्ट लिखिए, राइट अ लॉन्ग नोट ऑन ग्रुप टू कैटायन एनालिसिस। अब उसमें सारे सल्फाइड के पीपीटी होते थे तो वो पूरा लिखना है आपको, यहाँ पे दो पेज छोड़िए उसके लिए। ग्रुप टू कैटायन एनालिसिस, नेक्स्ट राइट a very long note on, so do pe chhodne ke baad na, yes bete do pe chhodne ke baad bahut zabardast pakde aap bhai, write a long note on group 4 cation analysis, group 4 cation analysis, inke bare mein kuch yaad aata hai sulfides ke bare mein? सर मॉइस्चर में भी लाइक हाइड्रोलाइज हो जाता है तो। अरे बाप रे, आपका नाम बताओ क्या है? जय। जय, हाँ जय, हीरो लड़का हमारा है जय।
क्या तुम हीरो हो बेटा? अरे जय बोलो यार। ओह वेरी गुड, ये भी अच्छा है कि बोल भी रहा। हाँ सर मैं हीरो हूँ। चलो बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कॉपीड सल्फर का हाइब्रिडेशन। हाँ बच्चों लिख दीजिए कि भाई डाउट। हाँ बेटा बोलो सर। FeCl3 और H2S के रिएक्शन में अगर हम लोग एक्वस मीडियम ना दें तो मतलब देखो यार ऐसा तो है नहीं कि FeCl3 का मॉलिक्यूल और H2S का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मतलब हम करेंगे वो तो नहीं हो सकता। तो गैस पास कराते तो भी यही होता है, एक्वस में भी वही होता है ना। ओके सर बट एक एक मॉलिक्यूल तो हम रिएक्ट नहीं कर सकते कि एक मॉलिक्यूल रखा उस पर रख के ऐसे कर दिया ऐसे, मतलब ये तो नहीं पॉसिबल है ना। और भाई H2S में लिख दीजिए भाई बॉन्ड एंगल ऑफ अराउंड 92 डिग्री अराउंड सल्फर। बॉन्ड एंगल ऑफ अराउंड 92 डिग्री अराउंड सल्फर एंड सेंट्रल एटम यूजेस प्योर पी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग, प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। और देखिए भाई SO2 वही प्रिपरेशन बाय कंबशन ऑफ सल्फर H2S इन एक्सेस एयर। तो सल्फर O2 फ्रॉम एयर H2S O2 फ्रॉम एयर SO2 प्लस H2O, यहाँ पे भी SO2 प्लस H2O ठीक है। और भाई ठीक है सर सल्फर प्लस कॉम्पोजिटर सपोर्ट क्या बात। देखिए हीरो ने बताया तो हीरो की बात तो लेनी पड़ेगी। और हीरो और कुछ बताओगे? सर एसिडिफिकेशन ऑफ सल्फर। अरे फॉर्म में है भाई, फॉर्म में है ना बाय डीसल्फोनेशन। वेरी गुड, गलत है। लैब मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाँ लैब मेथड ऑफ अल्काइल अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से बन जाएगा RX से SO2 बन जाएगा। वो कह रहा R को पहले ओपन कर लो ऐसे हो जाएगा, फिर R को ऐसे कर लो, फिर R को ऐसे बना लो, फिर ऐसे बना लो। भाई हैलाइड से अल्काइल हैलाइड से SO2 कैसे बनाओगे सुरमा? अरे भाई सुरमा भोपाली बताओ कौन था ये सुरमा? हैलाइड वाला बच्चा बहुत ही फनी था, मतलब मजा आया आपके। जैसे एक बच्चा कहता है कि सर देखो H2 से मैं N2 बना दूंगा, मैंने कैसे? कहता है कि H2 को मैं ऐसे है फिर इसे मैं पूरा ऐसे सीधा लिख लूंगा इसको, यू नो सबको ऐसे, और फिर कहता है इसको बैंड कर दूंगा और फिर ऐसे टू का टू कैरी हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन बता रहे थे क्या हैलाइड से? अरे वाह देखो ये हमने क्या करा है। और मेथड भी ले सकते बेटे, आपका नाम क्या है? नाम नहीं पता भाई। देखिए बच्चे ने नेमलेस असैसिन ने बताया। सर मैं बोला हरी। अच्छा हरी नाम है, मुझे लगा नेमलेस असैसिन हो तुम, सुनाई नहीं दिया बेटा डर बहुत। तो हरी और क्या ले लें? सो कोक ले सकते हैं। कोक पीने का मन कर रहा है बेटा? सर नहीं, कोक रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा किसको रिड्यूस करूंगा ये तो बताते। चलो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नहीं होता बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ZnS
PbS, FeS2, FeS2 का नाम सुना है? कौन सा गोल्ड होता है, सुना होगा ना? आयरन पाइराइट्स। कौन सा गोल्ड बोलते हैं? अरे वाह, एक और इसमें देखिए भाई, मतलब ZNO, PbO, Fe2O3 और सब में SO2, ठीक है। और भाई कैसे बनाए भाई, देखिए बाय रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फेट बोलते हैं, बाय कोक और MSO4 प्लस कोक MO प्लस SO2 प्लस CO2 आ रहा था। लिख दीजिए फिर थ्योरी पॉइंट लिखते हैं। नोटेड सर। सर हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ में कोक का रिएक्शन क्यों नहीं करवा सकते? नहीं कराते हैं मतलब। ओके लिख लीजिए, करलेस सफोकेटिंग गैस, हाईली वाटर सोल्युबल। रिपीट कर सकते हैं करलेस के बाद क्या? करलेस सफोकेटिंग गैस। ओके सर। हाईली सोल्युबल इन वाटर। हैवियर देन एयर, हैवियर देन एयर। It is neither combustible nor supporter of combustion nor supporter of combustion, but the burning magnesium, sodium, potassium, burning sodium, magnesium, potassium continues to burn in atmosphere of SO2. Continues to burn in atmosphere of SO2. MgO के साथ MgO plus Mg के साथ है, इसके साथ Na2SO3 प्लस Na2S2O3। भाई पोटेशियम के साथ भी सिमिलर आएगा, K2SO3, K2S2O3। आयरन के साथ FeO, FeS, अगर एक्सेस में ले लें तो FeO और FeS2O3 आता है। एक्शन ऑफ हीट, SO3 टेम्परेचर याद नहीं होगा भाई, SO3 प्लस सल्फर में डिकम्पोज होता है और एसिडिक नेचर, एसिडिक गैस है, NaOH सल्फाइट बनाएगा, तो Na2SO3, CSO3, BSO3, Na2SO3 प्लस CO2 प्लस H2O, या भी प्लस H2O। जनता जल्दी से सोडियम बाइकार्बोनेट से भी लिख लेना, सेम ही आएगा, सब कुछ ही सेम आएगा। क्लियर है?
देखिए एडिशन रिएक्शन SO2 plus CL2 हैलोजनेशन में यूज होता था, O2 के साथ रिएक्ट करता है V2O5 कैटलिस्ट के बिजनेस में, SO3 और PbO2। अभी इस वीक में आपके कितने लेक्चर है? एक ही लेक्चर रखा है ना? यस सर। चलिए देखते हैं, इस वीक लेना है तो ले लो एक्स्ट्रा क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बेटा मैं देखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करते बेटा, है ना? मैं अपना टाइम टेबल एडजस्ट कराता हूँ थोड़ा सा, है ना? कल हमारे दो लेक्चर है डीएनएफ ब्लॉक के। कौन से बैच में बेटा? सर 8, 9, 10। अच्छा देखते हैं, ये लिख लीजिए, फिर एक साथ लिखता हूँ नेक्स्ट पेज। सर अभी कितना और बाकी है बी ब्लॉक में? मेरे 3 लेक्चर तो लगेंगे, मतलब कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे मिनिमम। पढ़ा दो? यस सर डन। फिर हैलोजन फैमिली बाकी है हमारी, और ग्रुप 18 तो बहुत छोटा सा है, 45 मिनट्स का। देखिए सल्फर बनेगा SO2 के मोस्टली, यहाँ तक H2O CO2 H2O SnCl4 H2O GCl2 H2O, सब जगह सल्फर। यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ से मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप पीछे देख के लिख सकते हैं आप। Yes. Yes, sir. Next is SO2 as a reducing agent. तो dry में SO3 मिलता है, aqueous में H2SO4 मिलता है, और SO2 plus H2O SO3 plus 2H या 2H2O H2SO4 plus 2H, और इनफैक्ट SO2 जो ब्लीच करता है, ब्लीचेस बाय रिडक्शन, और इसीलिए कहते हैं टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन। इस वीक में कौन सा लेक्चर ज्यादा दिए हैं? DNF ब्लॉक। DNF कितने लेक्चर है? So, 3 से 4 होंगे मिनिमम। 3-4 लेक्चर DNF ब्लॉक के दिए हैं, क्या बात है। हां नहीं सर, 2 ही लेक्चर है हमारे, हमको भी 4 ही दिया है। आपने बताया नहीं कितना होगा, बट 4 टाइम टेबल। एक नहीं, 2 लेक्चर बहुत होते हैं, 2-2.5 लेक्चर बहुत है सर। सरफेस केमिस्ट्री के लिए रखा है 2। अच्छा चलिए देखिए, SO2 H2O SO3 और H। SO3 जो होगा, ये H जो होगा रिड्यूस करेगा कलर इम्प्योरिटी को, कलरलेस। लेकिन अब देखिए ये एयर के टच में आएगा तो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कलर्ड इम्प्योरिटी रीअपियर्स। तो इसीलिए हम कहते हैं भी टेम्प्रेरी ब्लीचिंग एक्शन होता है SO2 का। मैंने बताया भी होगा पेपर्स को ब्लीच करने में ज्यादातर SO2 यूज होता है, इसीलिए पेपर्स रखे रखे भाई कलर चेंज होने लगता है। हो गया ये? नोटिस। और SO2 का देखिए रिड्यूसिंग एक्शन तो बहुत कॉमन है,
भाई हमने बता ही दिया कि ड्राई में ये तो रेगुलर टेस्ट है, ऑरेंज इसको ग्रीन कर देगा। आई गेस अपने आप लिखने चाहिए रिएक्शन यार। हम उस स्टेज पे आ गए। हाँ भाई ये अपने आप लिखेगा, H2S4 बढ़ेगा मोस्टली, और ओजोन वाले में लिख दी बस, उसमें ऑटो रिलीज नहीं होता। और सर तो डीएनएफ ब्लॉक के बाद हमारा मेटलर्जी होगा ना। हाँ बेटा हटा दो बच्चों। हाँ सर। ठीक है अब SO3 प्रिपरेशन और बाय हीटिंग एक तो फेरिक सल्फेट और FeSO4। देखिए FeSO4 का हीटिंग इफेक्ट पहले ही बताया वैसे कि सल्फेट को करते हैं तो एक ऑक्साइड मिलता है। ब्लैक रेजिड्यू प्लस SO2 प्लस SO3, फिर हम यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। दूसरा हम SO2 प्लस SO3 इसको ओजोन से ट्रीट कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के स्टार्ट में होता है वो भी कर सकते हैं ना। हमें तो करेंगे भाई ये आ गया ऐसे FeSO4 भाई हमने हीट कर लिया। अच्छा FeSO4 तो कर लिया ना। Fe2SO4 होल थ्राइस तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस H2O SO3 और by the addition of conquistor 4 P4 कैसे करेंगे। कर जा ले ली देखिए SO2 डायरेक्टली कंबाइन करता नहीं है तो P2O5 के प्रेजेंस में या प्लैटिनम कॉज SO3 ठीक है। और SO3 के बारे में ठीक है SO3 के बारे में तीन एलोट्रोप होते हैं अल्फा बीटा गामा बताया भी है। अल्फा मेलिन गैशियस और ये सॉलिड में होते हैं दोनों। S2O6 आ गए लिख लीजिए पहले।
लिख दीजिए अल्फा इलेक्ट्रोप इज प्रेजेंट इन गैसेस और लिक्विड. वेयर इज बीटा एंड गामा आर प्रेजेंट इन सॉलिड. और देखिए SO3 की रिएक्शन एक साथ ही ले लेता हूँ. आपकी मेरे कोई भी रिएक्शन में कुछ खास मुश्किल चीज नहीं है. सब में सल्फेट सॉल्ट बनेगा, अपने आप लिखेंगे. कॉन्क एचसीएल में क्या बनेगा होता है ये अपने आप बता सकते हो. ये सब इंस्टिंक्ट पे रिएक्शन. यस, कोई बता सकता है क्या बनेगा? जल्दी अंता क्या बात है, बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं. हो गया होगा. देखिए SO3 कन्वर्ट्स टू SO2. SO3 gets reduced to SO2 while acting as an oxidizing agent. While acting as an oxidizing agent. यहाँ पे तो reaction ही नहीं, वैसे redox नहीं होगा. SO3 HCl को oxidize नहीं करता. यहाँ पे bromine plus H2O सल्फर के साथ दोनों SO2 बना देंगे. और P2O5 बनाएगा ना इसमें फ्रोटेन. और देखिए जितने भी बचे हैं उनमें SO2 ठीक है. और अब देखिए किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4 स्टार्ट करेंगे भाई. ऑयल ऑफ विट्रियल और ऑयल ऑफ विट्रियल इसलिए कहते हैं कि FeSO4 इसकी सब डिस्टिलेशन से मिलता है. ग्रीन विट्रियल Fe2O3 हो गया. और करीब एक मिनट आता
और जनता H2SO4 कैसे बनेगा बताइए। H2 H2O8 के इलेक्ट्रोलिसिस तो रोलियम से। चलो देखते हैं सर S प्लस कौन बेहतर है तो ठीक है भाई। देखिए एक होता है लेड चैम्बर प्रोसेस और एक्चुअली लेड के चैम्बर में कराया था SO2 प्लस भाई O2 NO2 कैटलिस्ट लिया जाता है और बनता है यहाँ से SO3 SO3 प्लस H2O स्टीम और यहाँ से मिलता है H2SO4। इसमें भाई SO2 प्लस NO2 SO3 प्लस NO बनाता है और SO3 NO प्लस O2 गोज़ टू NO2 बनाता है। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म दे दिया जाता है और इसमें हमें इम्प्योर ऑलमोस्ट 80% H2SO4 मिलता है और 20% इम्प्योरिटीज ऑफ HNO3 क्योंकि NO2 के हाइड्रेशन से HNO3 मिल रहा होगा। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में भाई एज सच कुछ खास मुश्किल चीज़ नहीं है। मतलब भाई हम क्या करते भाई SO2 प्लस O2 प्लैटिनम कैटलिस्ट SO3 SO3 को H2SO4 प्योर में डिजोल्व करते हैं और यहाँ से आता है H2S2O7 ओलियम और उसके बाद ओलियम को भाई डाइल्यूट करा जाएगा तो क्या होगा H2SO4 आ जाएगा। यहाँ पे प्योर H2SO4 इज ऑब्टेन्ड और भाई H2SO4 का जो प्योरिटी में लिखवाऊंगा 98.3% पे एजोट्रोप बनाता है तो उससे ज़्यादा डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। जल्दी से कॉपी करिए। इसमें देखिए मतलब लिखिए लेड चैम्बर ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस इज बेटर देन लेड चैम्बर प्रोसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस इज बेटर देन लेड चैम्बर प्रोसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस और भाई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस गिव्स प्योर H2SO4 विदाउट pure H2SO4 without impurities of HNO3 और ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कॉन्क H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या है हम ओलियम को डाइल्यूट करके बना रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन का चाहिए उसी कंसंट्रेशन का ले सकते हैं जबकि लेड चैम्बर में हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए कि भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैन गिव H2SO4 in any desired concentration or
डिजायर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, H2SO4 इज अ सिरप लाइक, H2SO4 इज अ थिक सिरप लाइक लिक्विड, थिक सिरप लाइक लिक्विड. H2SO4 forms an azeotropic mixture with water. And hence cannot be purified beyond by simple distillation. और देखिए एज एन एसिड क्या करेगा, सल्फेट बनाएगा. तो मैं रिएक्शंस नहीं लिखूंगा, अपने आप से लिखेंगे. बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, CO2 रिलीज करेगा उधर से. ठीक है रहने बच्चों, जस्ट अ सेकंड सर. यस सर. नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स और उसमें लिख दीजिए मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4. लिबरेट्स हाइड्रोजन विद डाइल्यूट H2SO4. But with conch H2SO4, H2 released can reduce H2SO4 to give SO2 or sulfur or H2S. और देखिए इस 98% में ही होता है. 90% में जिंक के साथ ZSO4 प्लस H2S प्लस H2O. डाइल्यूट में कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे ये मेटल्स का इतना लार्ज वैरायटी नहीं है जितना H2O3 में था. और उसका रीज़न है कि मतलब भाई H2O3 कहीं ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है. ठीक है अच्छा एक बात और लिख दीजिए. मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज do not release H2 with diluted SO4. Do not releases H2SO4 with the dilute H2SO4. Example लिखिए copper AgAu Hg. Copper Ag, Au Hg. Although most of them react with H2SO4. Most of them react with dilute H2SO4 in presence of O2. In presence of oxygen. Or मैंने लिख भी दिया है एक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है. ठीक है
ये पूरा करिए जल्दी से। नेक्स्ट लिखिए राइट अ वेरी लॉन्ग नोट, राइट अ वेरी लॉन्ग नोट ऑन एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन सॉल्ट्स ऑन सॉल्ट्स। और अब देखिए इसमें क्या लिखना है आपको भाई, मतलब डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप के सारे मतलब जो है उनके साथ लिखना है, ठीक है। और भाई कॉन्क H2SO4 ग्रुप के सारे एनायंस जो है इन पर क्या होता है, ठीक है। और देखिए कुछ ऑक्सीडेशन इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो जिंक वगैरह के साथ और भी होती है, लेकिन Br2 प्लस H2O, I2 प्लस H2O, PCl5 जो है भाई, PCl5 इसको मतलब क्लोरीनेट करता है, POCl3 प्लस H2Cl2 H2O क्लोरीनेशन। K4 एफिशिएंसी के साथ CO रिलीज होता था, मैं पूरा रिएक्शन नहीं बताऊंगा, पहले बहुत बार बताइए। KCl3 के साथ ये रिएक्शन कई बार आ चुकी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KHSO4, HClO4, ClO2 और H2O। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन सल्फेट सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, लेड एसिटेट, सिल्वर नाइट्रेट, BSO4 का वाइट पीपीटी, PbSO4 का वाइट पीपीटी, Ag2SO4 का वाइट पीपीटी और SrSO4 का वाइट पीपीटी, HgSO4 .HGO का रेड पीपीटी। ये हुई प्रेसिपिटेशन। सर इनिशियल टू रिएक्शंस में सल्फाइड का पीपीटी बेटे सल्फर आया। ओके सर एक मिनट, सल्फर कहां से जाएगा? SO2 और H2O भाई, सल्फाइड का पीपीटी कौन से सल्फाइड का पीपीटी बना रहा है भाई? सॉरी सर आई मेंट सल्फर, SO2 आएगा भाई। अब जहां पे नहीं लिखा कुछ भी तो SO2 बनेगा, CO के साथ इसे यहाँ पे बनेगा। छोटा दूं सजेस्ट जल्दी करते भाई। यहाँ पे H2SO7 डिहाइड्रेशन CO प्लस H2O, फॉर्मिक के साथ CO होता है, ऑक्सैलिक के साथ CO CO2 आता है, और कार्बन कॉन्क से डाइल्यूट बन जाएगा,
मैंने इसके ऊपर लिख दिया, यहाँ पे एल्कीन है बाय ई टू और ई वन डिहाइड्रेशन, और ये ठीक है। तो एच टू सुपर गया और छोटे छोटे पटाखे बचे हैं इसमें, एसओ सी एल टू, एसओ सी एल टू एसओ टू प्लस पी सी एल फाइव के रिएक्शन से मिलता है और POCl3, तो PCl5 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, और ये बस कुछ नहीं, मतलब कोई रिएक्शंस लिखेंगे नेक्स्ट पेज। देखिए रिएक्शंस में भी वाटर के साथ NaOH H2SO2 प्लस H2O प्लस HCl, क्योंकि H2SO3 तो अनस्टेबल एसिड है, Na2SO3 NaCl RCl RCOCl, ठीक है भाई। SOCl2 गया SO2 Cl2, इसको थायोनिल सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये एस ओ टू सी एल टू पी ओ सी एल थ्री और एच सी एल, इसके अलावा ये भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट है यार, और कुछ नहीं फ्लोरिनेटिंग का। एच टू ओ एल्केन्स को लाइट के प्रेजेंस में करता है, आर सी ओ एच एक्सेट्रा, एच टू सो फोर ट्वाइस एच सी एल, सर व्हाट आर यू रिटन बिसाइड आर एच, द यूवी अल्ट्रावायलेट। करिए भाई ऑक्सीजन फैमिली ओवर, हम हैलोजन फैमिली शुरू करेंगे, और भाई इसके बाद नोबल गैस पास। सो थायोनाइल क्लोराइड से सल्फ्यूरिक क्लोराइड की प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन ओके सर। कॉपीड यस सर। हां सर, वो फर्स्ट रिएक्शन में H2O बनेगा राइट इंस्टेड ऑफ HCl, क्यों बेटा ये डिस्कवरी क्यों कर रहे हैं हम? लाइक आई स्कोर तो पी पे लाइक दो एच जाएंगे तो H2O रिलीज हो जाएगा। तो बात आपने जो आपका थॉट है वो गलत है, ओके है ना, जो लिखा हुआ है उसको ठीक है बेटा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, कोई चांस नहीं है कुछ और होने, आप समझ रहे हैं? यस वेरी 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 सिंपल रिएक्शन। तो जनता देखिए भाई, ऑक्सीजन फैमिली के बाद हम स्टार्ट लास्ट, मतलब ये लास्ट ही है एक तरह से, 18 तो क्या ही है भाई, 18 इज वेरी स्मॉल। तो हम शुरू कर रहे हैं हैलोजन्स, एफ सी एल बी आर आई ए टी एस्टेटीन भाई, एन एस टू एन पी फाइव halogens or salt forming elements, है ना। लेकिन जरा थ्योरी पॉइंट लिखवाता हूँ,
वे ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स कॉमा too reactive to exist freely and always exist in combined form or next they all exist as nonpolar diatomic molecules they all exist as nonpolar diatomic molecule with weak van der Waals forces between discrete x2 units or under mostly gases अब लिखिए F2 येलो और पेल येलो कलर क्लोरीन येलो स्क्रीन और ब्रोमीन के लिए लिखिए वैन डर वाल्स फोर्सेस इन bigger br2 in bigger br2 are enough to make it liquid or ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है और भाई आयोडीन लिखिए आयोडीन इज अ सॉलिड और violet but crystallizes as black flakes or iodine solid exists in ionic form and has some metallic luster also अब देखिए कलर ऑफ हैलोजन जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ल्यूमो होमो ट्रांजिशन के से होता है बट आयोडीन में कलर जो होता है वो चार्ज ट्रांसफर के से होता है आई थ्री प्लस और आई थ्री माइनस बनता है तो लिख दीजिए कि कलर ऑफ हैलोजन इज ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन यूजुअली color of halogen is due to homo-limo transition mostly but color of solid iodine is due to charge transfer or next
I2 solid conducts electricity to some extent. Conducts electricity to some extent. And conductivity increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. Or I2 liquid conducts very slightly. ठीक है, अभी देखिए ये तो सिंपल से ऑर्डर लिख रखे हैं, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी. और देखिए आयोडीन का कलर जो है वो बड़ा ही पेनफुल है, साथ साथ लिख सकते हैं कलर ऑफ आई टू. अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और क्लोरोफॉर्म और CCl4 के साथ देखा जाए, ब्राइट वॉयलेट. अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अपने इसमें लिया जाए, जैसे ज़ाइलीन और ओज़ाइलीन एक्सेट्रा, तो रेडिश ब्राउन और पिंकिश कलर होता है. आयोडीन अगर ईथर्स और अमीन्स के बैलेंस में लिया जाए तो आई टू ये कैसा होता है, ये ब्राउनिश होता है. और यहाँ पे मैक्स सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं, और आयोडीन स्टार्च में बताइए ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन. और भाई ऐसे ब्रोमीन और स्टार्च अगर दे तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन. लिख दीजिए जल्दी. सर अलग मीडियम में अलग कलर क्यों दिखता है? बेटा आयोडीन के साथ मतलब इसका होमो बहुत हाई है तो इंटरैक्ट करेगा, उसी की वजह से होमोलिमो गैप अफेक्टेड होता है. बच्चा वाटी हटा दो. यस सर. अब हमने कलर ऑफ हाइड्रोजन कर लिया तो लिख देते हैं, लिख दीजिए कि विद डोनर सॉल्वेंट्स आयोडीन इज बिलीव टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. विद डोनर सॉल्वेंट आयोडीन इज बिलीव टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विच ऑल्टर्स होमोलिमो gap and hence affects color or hey next. Due to complexation, iodine is more soluble in more soluble in
डोनर सॉल्वेंट्स ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ब्राउन सॉल्वेंट, डोनर सॉल्वेंट्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन Ai2 इज मोर सॉल्वेंट डोनर सॉल्वेंट्स, लोन पेयर वाले हैं सब ना, और brown solution of iodine turns violet on heating and turns brown again on cooling. ठीक है, और देखिए भाई MPEP तो यही होगा, डेंसिटी भी भाई यही होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द ग्रुप ठीक है, और भाई आयनाइजेशन एनर्जी FCl, Br और Ai ठीक है, और भाई इन तीनों का आयनाइजेशन एनर्जी जो है भाई लोअर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन से आता है, बट तब भी H प्लस कॉमन है और Cl Br प्लस I प्लस ये कॉमन नहीं है, और उसका रीजन है कि H प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी नहीं होती, लिख दीजिए बात कि मतलब भाई हाइड्रोजन हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन Cl Br और Ai, देन Cl Br और Ai, बट स्टिल H प्लस फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन एंड Cl plus Br plus I plus are not and that is due to their lower hydration energy. Their lower hydration energy ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सभी को पता है, F फिर Cl फिर Br फिर Ai, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबको पता है कि Cl फिर F फिर Br फिर Ai ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी Cl2 Br2 F2 और फिर Ai2 ठीक है, और इसमें दो लॉजिक लगाते हैं, मतलब एक है मतलब मॉलिक्यूल्स थ्योरी, और ये कहता है डी पाई बी पाई ओवरलैप, मतलब इन दोनों में कुछ होगा, थोड़ा इसमें भी होगा, बहुत थोड़ा इसमें भी होगा और इसमें नहीं होगा, एक तो ये था, और भाई एक है कॉल्सन थ्योरी, ये ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और ये सिंपली LP-LP रिपल्शंस की तरफ पॉइंट करता है ठीक है, चिंता चले कॉपी करिए sir, if we use Mulliken's theory, then for I2 also there is a d pi p pi overlap, right? बेटा आपका नाम बताइए sir, जयशंकर, बेटा जयशंकर आप थोड़ा भी नहीं सोचते बेटा, है बच्चे आयोडीन का साइज, और आपने इतनी बार आयोडीनेशन में पढ़ा होगा, विसेनल एडेड बनती है तो सी आई सिग्मा वीक होते हैं, पाई कहां से होंगे, और उस कार्बन के साथ वीक है, थोड़ा तो रैम कर बट
बट मैंने देखा है कि जहां पे भी बेटा थोड़ा भी सोचना होता है आप सबसे पहले जंप करते हैं, यू नो. एनीवेज भाई देखिए, फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस जो होता है मतलब उससे डबल होता है बॉन्ड लेंथ, और वो एलपीएलपी रिपल्शन की वजह से है. जनता नेक्स्ट ले लीजिए. क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट स्टिल F2 is better oxidizing agent in gaseous as well as aqueous. Due to low FF bond energy. दूसरा हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. Due to highly exothermic reactions or thermodynamically favorable reactions. अच्छा बटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए, फ्लोरीन माइनस वन जीरो और हैलोजन जो है वो माइनस वन से प्लस सेवन, और क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो कुछ डिफरेंट भी बनाते हैं, सी एल ओ टू सी एल ओ थ्री सी एल टू ओ सिक्स बी आर ओ टू और बी आर ओ थ्री. ठीक है भाई, Br plus 7 compounds. ठीक ही है. इसके अलावा केमिकल रिएक्टिविटी आ जाएगी. अच्छा बाटी जल्दी स्पेसिफिक रीजन लाइक बीआर प्लस डोंट एक्सिस्ट. इसका मिडल रो एनोमली बोलते हैं, मतलब कि स्क्रीनिंग मतलब बढ़ गया हो तो ऐसे मिडल रो एनोमली. खड़ा तो अच्छा. यस सर. अब देखिए एक्शन ऑफ एयर वाटर वगैरह पे आते हैं, और भाई अच्छा बॉन्ड टाइप नहीं किया ना अभी, बॉन्ड टाइप बता दिया कि नहीं बताया? तो बॉन्ड टाइप कर लेते हैं पहले. भाई कुछ है नहीं ऐसे खास मुश्किल नहीं. भाई बॉन्ड टाइप में आयनिक हैलाइड्स और आयनिक पॉलीहैलाइड्स भी बनते हैं, के आई थ्री एंड ऑल. हैलोजन की कोवेलेंसी 1, 3, 5, 7, 4 इन सम केसेस, 6 इन सम केसेस. ठीक है
जैसे हम 1-3 गए तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, ठीक है। और भाई आयनिक नेचर पता ही है, मतलब ये तो भाई आयनिक नेचर क्या होगा, फ्लोराइड्स मोर देन क्लोराइड्स मोर देन ब्रोमाइड्स एंड देन आयोडाइड्स, ठीक है। एक्शन ऑफ एयर नो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद एयर, ठीक है। और एक्शन ऑफ वाटर मैं पहले करा चुका हूं, और भाई क्या लिखवा दूं, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर याद है ना, F2 के साथ ओजोन आता है, Cl2 के साथ HCl HOCl आता है, इवन इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। एक्शन ऑफ NaOH और F2+ HO- कोल्ड एंड डाइल्यूट, यहाँ से क्या आएगा NaF OF2 प्लस H2O और NaOH कर देना, ऐसे चाहो तो NaOH और NaOH हॉट एंड कॉन्क भाई NaF H2O और O2। अच्छा बाटी और बाकी हैलोजन के साथ NaOH बता रखा है ऐसे? यस सर, एस ब्लॉक में। यस बेटा, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास देखो कब रखते हैं, एक मिनट बताइए। तो सर ये भी कि BM सर का लेक्चर है पर पोर्शन खत्म हो गया, आपको चाहिए था बोलिए सर। तो सर ये मेंस वाला खत्म ही है पोर्शन। थर्सडे को रख सकते हैं, बताओ सर। थर्सडे को 9:45 टू 11:45 आप बीएम सर से बात कर सकते हो, उनका लेक्चर है पर उनका पोर्शन हो गया यार। वो रहने दो, और क्योंकि मेरा लेक्चर उस टाइम में है ना, तो वो तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो हम ले सकते हैं कुछ 7 थर्सडे को या फ्राइडे को ले सकते हैं, 7:30 to 9 मतलब क्या रीजन बताओ तो सही, रीजन तो बता दो सर। एक्चुअली 8:30 अराउंड कुछ भी नहीं होगा, मतलब बिलीव मी है ना, आई कैन गारंटी यू नथिंग, नो हार्म विल कम टू यू, राइट। ओके बच्चा, ओके ओके थैंक यू सर। सो इट्स फ्रॉम 7:30 फॉर द क्लास। हाँ मतलब आई विल स्टिल कंफर्म है ना, ठीक है। ओके बच्चो, Yes, on Thursday, sorry. Sir, अगर कल भी आपको टाइम होगा तो रख सकते हैं, क्योंकि कल भी हमारा छुट्टी है। टाइम नहीं है यार, कल टाइम नहीं है यार। कल क्या है? जब मेरा हो सकता है, कल भी रख सकते हैं, बताओ कल रख दे क्या? वैसे 7 to 9 नहीं रख सकते, 7 to 9 ACP सर का है।
अच्छा आचार्य का है तो बताओ किस टाइम रखें? 3 to 5 तो थर्सडे ही ज्यादा ठीक रहेगा, वो ज्यादा अच्छा सर। कल... इसी हफ्ते 2 क्लास लेके खत्म कर दो क्वेश्चन सर। वही वही मैं सोच रहा हूँ 3 to 5 रखते हैं कल। हाँ चलेगा सर, चलेगा सर, कल 3 to 5 मॉक करते हैं। चलो ओके। हेलो सर। यस बेटा। सर एमटी का एक डाउट था, कैन आई आस्क नाउ? जल्दी से पूछो यार। अब सर एक क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पिंक इन कलर? So CO cobalt oxide dot Mg और सब ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट वाला जो है ना Mg वाला वही है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। भाई कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट पढ़ा होगा। हाँ हाँ राइट यस सर। उसका था। हाँ गॉट इट यस सर। थैंक यू।